आपका एक्वेरियम का अच्छा डेकोरेशन के लिए हो या फिशेस को हाइडिंग प्लेस प्रोवाइड करना, ड्रिप सूट हर एक्वेरियम के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी एक्वेरियम शॉप में या मार्केट में ये आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है। जितना भी छोटा पीस हो 500 रुपीस के नीचे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहे तो इस तरह का एक ड्रिप सूट अपने घर में खुद बना सकते हैं। एक अच्छी ड्रिप सूट बनाने के लिए खर्चा तो इतना नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अच्छी ड्रिप सूट कैसे बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्लांट्स का जो रूट्स और ब्रांच होता है उसको प्रोसेस करके ड्रिप सूट बनता है। सो ड्रिप सूट बनाना शुरू करने से पहले दो चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक तो कौन सा पेड़ यूज करें ड्रिप सूट बनाने के लिए, दूसरा उस पेड़ का कौन सा पार्ट्स, रूट्स या ब्रांच, कौन सा पार्ट यूज करें ड्रिप सूट बनाने के लिए। ड्रिप सूट बनाने के लिए मैं दो तरह का प्लांट प्रिपेयर करता हूँ। एक होता है सागुन का पेड़ जिसमें से फर्नीचर बनता है, और दूसरी तरफ है गुआवा का पेड़। इसके बाद आती है कौन सा पार्ट्स यूज करें ये चूज करने की। ड्रिप सूट का मटेरियल जितना डेंस होगा उतना अच्छा ड्रिप सूट बनेगा। प्लांट्स का जो ब्रांच होता है उससे ज्यादा डेंस होता है उसका रूट्स, अलावा रूट्स का टेक्चरल वेरियंट भी ज्यादा होता है, इसीलिए मैं रूट्स को चूज करूंगा ड्रिप सूट बनाने के लिए। यह मैं जो रूट्स यूज कर रहा हूँ वो सागुन का है, इसी रूट से मैं ड्रिप सूट बनाऊंगा, जिसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ड्रिप सूट बनाने के लिए आपको चाहिए एक बड़ा सा कंटेनर। इस कंटेनर को आप ऐसे जगह प्लेस करें जहाँ दिन में 4 या 5 घंटा सनलाइट आता हो। पहले तो इस कंटेनर को पानी से पूरा फिल करना है। इसके बाद जो रूट्स मैंने सिलेक्शन किए थे ड्रिप सूट बनाने के लिए, उस रूट्स को इस पानी के अंदर डालना है। उस रूट्स के ऊपर कुछ वेट डालना है ताकि वो पानी के ऊपर ना आ जाए। कम से कम 15 डेज के लिए उस रूट्स को इस पानी के अंदर रखना है। 15 डेज हो जाने के बाद मैं उस कंटेनर के जो पानी है उस पानी में 500 ग्राम वॉशिंग सोडा मिक्स कर रहा हूं। पानी में वॉशिंग सोडा डालने से क्या होगा, जो रूट्स का जो स्किन होता है वो बहुत जल्द सड़ जाएगा। इसके अलावा उसके साथ जितने भी लूज पार्टिकल होगा वो सभी रूट्स से हट जाएगा। वॉशिंग सोडा डालने के बाद कंटेनर का जितना भी पानी कम हो गया था वो पानी फिर से फिल कर देना है। इसके बाद वो रूट्स को इस पानी के अंदर फिर से 15 डेज के लिए छोड़ देना है। 15 डेज के बाद उस रूट्स को पानी से बाहर निकलना है। पानी से बाहर निकलने के बाद एक नाइफ और ब्रश के मदद से उसका जो स्किन है और उसके साथ जितना भी लूज पार्टिकल होगा वो सभी को अच्छी तरह से हटा देना है। अच्छी तरह क्लीन हो जाने के बाद इस रूट्स को एक हफ्ते के लिए सनलाइट में छोड़ना है ताकि पूरी तरह ये ड्राई हो जाए। इसके बाद शुरू होता है सेकेंड टाइम प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग को वुड सीजनिंग बोलता है। वुड को सीजन करने से क्या होता है, इसके अंदर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल्स होता है सभी बाहर निकल आता है। एक बार वुड को सीजन करने से ये लॉन्ग टाइम अच्छा रहता है। इस प्रोसेस के लिए मैं उस कंटेनर को फिर से पानी से फिल करके उसके अंदर 3 kg सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर के अंदर इस ड्रिप सूट को फिर से डाल दूंगा। इस तरह मैं फिर से उस ड्रिप सूट को इस सॉल्ट वाटर के अंदर 15 डेज के लिए छोड़ दूंगा। 15 डेज के बाद मैं उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर से इस ड्रिप सूट को बाहर निकल लूंगा। ड्रिप सूट को बाहर निकलने के बाद एक हफ्ते के लिए सनलाइट में अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। ड्रिप सूट अच्छी तरह से ड्राई हो जाने के बाद एक सॉ या नाइफ के मदद से इसका जितने भी अनयूजेबल पार्ट है उस पार्ट को काट के हटा देना है।
इसके बाद एक सैंड पेपर के मदद से उस ड्रिप सूट को अच्छी तरह से रैप करना है ताकि उसके जितने भी पार्ट्स है वो सभी स्मूथ हो जाए। इस प्रोसेस को आप जितने अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे अपना ड्रिप सूट उतना अच्छे दिखने लगेगा। इसी तरह से आप अपने एक्वेरियम के लिए एक अच्छी ड्रिप सूट बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने मेरा ड्रिप सूट का काम पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये ड्रिप सूट अब अभी रेडी है पूरा एक्वेरियम में यूज करने के लिए। इस ड्रिप सूट को एक्वेरियम में डालने से पहले एक बार हॉट वाटर से अच्छी तरह से जरूर क्लीन कर लेना। अगर हॉट वाटर ना हो तो आप पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन में एक बार डिप करके फिर आप इस ड्रिप सूट को अपने एक्वेरियम में यूज कर सकते हैं। इस ड्रिप सूट बनाने के प्रोसेस के बारे में अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय फ्रेंड, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।